अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है आप लोग की दुआ से। तो जी आज का व्लॉग हम लोग ने स्टार्ट ले लिया है। फिलहाल जो मैं बहुत अच्छी वाली तैयार होकर आ गई और मेरा ज़रूर बताएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है। और आज मैंने फिर से येला सूट पहना बहुत दिनों बाद और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जी यहाँ पर जो छोटी सी फरमाइश आ गई थोड़ी सी हमारी बहू रानी की कि आज हमने खाना है मटर पुलाव, तो आज हमारे किचन में जो है देसी तरीके से फटाफट बनाएंगे। बहुत भूख लग रही है और नहीं सब्र हो रहा, मेरे से भी नहीं सब्र हो रहा। आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, देखो जरा। तो उसको दोगे तो वो खाएगा ना। ये लो दानिश, ये लो, ये सुभान को भी देगा। उसको बोलो दुकानें बंद हो गई होंगी इस टाइम ना। तुम यहाँ बेटा, मेरा जेली खाने का दिल चाह रहा, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, इस कदर भूख लग रही है, मैं थोड़ा मीठा खा लेती हूँ, गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं किचन में, चले चलो और मज़ेदार वाली जो ना आज रेसिपी बनाएंगे और चटपटी मज़ेदार टेस्टी और जो खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हमारे देसी किचन में चलते हैं, आ जाओ। तो जी माशाल्लाह हम आ गए अपने प्यारे से किचन में, क्यूट से किचन में, किरण के किचन में, आप सब लोगों के किचन में, हमारे देसी किचन में। और आज जो बनने जा रहा है बहुत मज़ेदार यम्मी टेस्टी रेसिपी, आज बनने जा रहा है हरा पुलाव मटर वाला और साथ में हम फिश पकोड़ा बनाएंगे और मज़ा आ जाएगा आज खाना खाने में। तो आज मैंने कहा चलो सुभान की मम्मा भी आई हुई हैं और अच्छा सा थोड़ा सा बना लेते हैं, तो आज हम बहुत चटपटा भी बनाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है और ये लोग भी साथ बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी करके रख ली है, फटाफट बनाएंगे क्योंकि टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। और सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी कचुंबर और उसके लिए चाहिए मुझे थोड़ा सा हरा मसाला, तो मैं वो फटाफट तैयार करूंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे चुटकी ही और यहाँ पर जो है मैंने लहसुन छील लिया और ये डालूंगी, थोड़ा सा पुदीना इतना से और इतनी सी हरी मिर्चें बस, तो पता और थोड़ा सा धनिया सही, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ये तो बड़ी खतरनाक आवाज आ रही है, हाय हाय गले में लग गए मिर्चे, गले में लग गए। बहुत मजेदार खुशबू आ रही है, रोटी है चटनी के साथ रोटी खा लेते बहुत मजे की। मिर्चे ना डायरेक्ट लगी है, बिस्मिल्लाह थोड़ी सी डालूंगी, ज्यादा नहीं, चेक कर लेती हूँ सही लगेगा तो डालूंगी और अगर मुझे सही नहीं लगा तो मैं और थोड़ा डाल दूंगी, वैसे तो मुझे सही लग रहा है। यहाँ पे जो है खीरा माशाल्लाह भर के काटा है, बिस्मिल्लाह सारा डाल देंगे, प्याज बिस्मिल्लाह करके ये भी डाल देंगे, मिर्ची मैंने यहाँ ग्रहण की खांसी उधर आ रही है, बिस्मिल्लाह करके हम टमाटर भी डाल देंगे, देंगे मज़ेदार वाला जो है। तो जी यहाँ पे माशाल्लाह हमारा मज़ेदार वाला जो है कचुंबर भी रेडी हो गया। जी कितना टाइम लगा? दो मिनट। और इसको हम साइड पे कर देंगे, हमा इसको फ्रिज में रखेगी, हमा इसको फ्रिज में रख देना। अब हम जो है ना हरा पुलाव का जो है मसाला तैयार करेंगे तो उसके लिए भी हमें मसाला ही चाहिए, पुदीन और मिर्चे भी यहाँ पे सारी जाएंगे, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे जो है धनिया को भी मोटा मोटा काट के बीच में डाल देते हैं, पानी का मक्का भर के डाल देते और अच्छा इसमें लहसुन वसन नहीं डलेगा, सही है ना, लहसुन हमने चटनी में ही सिर्फ डाला था और ज़ीरा भी और इसमें नहीं डालेगा, तो बस खाली तीनों चीज़ें बिस्मिल्लाह करके हमने जो है पतीला रख दिया है ऊपर और फ़ौरन ही डालेंगे तेल, बिस्मिल्लाह है। 1.5 किलो चावल है तो उसी हिसाब से डालूंगी ना, सही है ना, बहुत है ना इतना। हाँ अब तो मैंने ढक्कन ही हटा दिया, तो मैंने जल्दी जल्दी डाल दिया, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। अब फटाफट जो है ना फौरन ही हम लगाएंगे मछली को मसाला क्योंकि आज बनाएंगे मछली पकौड़ा, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो यहाँ पे जो है हम फटाफट जो है ना बिस्मिल्लाह करते हैं, मच्छी को जो है ना मसाला लगाते हैं और आज बना रहे हैं पकौड़ा फिश, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, 3-4 चम्मच ही लूंगी ज़्यादा नहीं। और यहाँ ले लेते हैं मसाले फ़ौरन ही, जितने भी मेरे घर के मसाले ना थोड़े थोड़े ये लूँगी और एक पैकेट जो है ना फिश मसाले का लूँगी बस। यहाँ पे जो है थोड़ा चुटकी बराबर ही लूँगी जर्दे का रंग है बस, बहुत है इससे फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट जो है ना फिश मसाले के लिए, ठीक है, और घर के मसाले और 2 पैकेट फिश मसाले के, और ये पूरे पूरे भर के मैंने डाल दिए माशाल्लाह, आज तो बहुत ज़बरदस्त वाली बनने जा रही है फिश। और यहाँ पे लेंगे नींबू खट्टा खट्टा मज़ेदार, हाय लजी मेरे मुंह में पानी आ गया, हाँ हाँ हाँ
तेल गर्म हो चुका है, मैंने तेल डाला हुआ है माशाल्लाह, मुझे मालूम ही नहीं है मैंने तेल डाला है। यहाँ पर डालेंगे बिस्मिल्लाह रहमान करके जीरा तेल में, फौरन ही डालेंगे प्याज बिस्मिल्लाह करके। यहाँ गर्म हो गया और हमें पता ही नहीं चला। यहाँ पे जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके। इसमें एक से दो चम्मच हम बेसन डाल देंगे माशाल्लाह। तो जी यहाँ पर बिस्मिल्लाह करके हमने मिक्स कर दिया। खाओ आप खाओ आप खाओ। यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, चेक करो कितने मजे का। मिला करते जाएंगे पूरी फिश को बीच में डाल देंगे। यहाँ पे जी प्याज हमारे ब्राउन हो गए, बिस्मिल्लाह करके जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसमें और कुछ भी नहीं ज़्यादा, मतलब दो चार मसाले ही जाएंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। एक चम्मच भर के जो है हमने चिकन पाउडर का डाल दिया, थोड़ा सा ही गरम मसाला। और ये बिस्मिल्लाह क्या हुआ तो जी यहाँ पे डालेंगे पिसा हुआ धनिया बस, इसके अलावा और इस मसालों में से कोई मसाला और नहीं जाएगा। ठीक है, भर नमक डालेंगे। अब अच्छे से इसको जो है मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास हरा मसाला, सारा ही डालेंगे। अच्छे से इसको पहले भूनना है, ठीक है, भून के अब इसमें डालेंगे हम मटर, बिस्मिल्लाह करके मटर डाल देंगे। अब दही जाएगी, दही बिस्मिल्लाह करके दही डाल देंगे। दही जाएंगे टमाटर, बिस्मिल्लाह करके हम टमाटर डाल देंगे। मटर थोड़े से जब तक बन नहीं जाए ना तो इसको ढक के बनाएंगे, बाकी डाल देंगे फिर पानी। यहाँ पे मैंने मछली को ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मुझे चावलों की तरफ जाना था। चावलों को मैंने बोला मसाला तैयार कर लो पहले, चावलों का हमने मसाला रेडी कर लिया, अब हम मछली को मसाला लगाएंगे बिस्मिल्लाह करके। अब इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं जो है चावल देख लेती हूँ वो हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम दे देंगे आधा एक घंटा, सही है। तो बिस्मिल्लाह यहाँ पे जी बिस्मिल्लाह करके हमने पानी डाल दिया। इसके हमने 1.5 किलो चावल है तो हमने ये वाले 3 डाले, हमारा ये 1 किलो का है। अब इसको ढक देंगे, अब इसका चूल्हा जो है साइड पे कर देंगे और हम बनाएंगे फटाफट पकौड़े। हो गया पानी तो यहाँ पे हमने चावल भी डाल दिए, अब फटाफट जो है ना इसको हम पकाते हैं। और मैं कढ़ाई में तेल भी डाल देती हूँ और फिश पकौड़ा भी बना है। भूख बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा। तुम लोगों को लग रही है? हाँ। कितनी लग रही है? मैंने तो तुम्हारी सुबह से आवाज़ ही नहीं सुनी, तुम सही ना? नहीं, नजर नहीं आए? कुछ भी बोल दी है यार, कुछ भी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करके तेल डाल देते हैं, यहाँ पे तेल भी गर्म होते हैं, सारा ही डाल देते हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ, नमक डाल देते, मैंने नमक चेक कर लिया था, नमक कम था, नमक भी डाल दिया। नमक भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अब इसको जो है मैंने ढक ढक के ही पकाना है, मगर इतना नहीं कि ढक के मतलब भूल जाए कि नरम ही हो जाए, मगर दो दो मिनट बाद जो ना इसको चेक करना है, सही है। बहुत भूख लग रही है, बिस्मिल्लाह करके मिर्चें भी डाल दूंगी, ऊपर से ही मैंने डाली सारी, खत्म भी होगी। अब ये सारे तुम लोगों ने खाने हैं? अच्छा, बस खा देंगे, खा देंगे जी, बस खा देंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। चल अब जी दम भी हो गया, अब हम जो है ना फटाफट जो है दम दे दिया। और वो दो इसके ऊपर रखने के लिए वजन, सही है माशाल्लाह। ये हाँ सही है, वजन बढ़ जाएगा ना, जल्दी हो जाएगा जी। अब फौरन जो है फिश फ्राई करेंगे, बिस्मिल्लाह मसाला अच्छे वाला लग गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करके डालते हैं, यानी फिश हो गई फ्राई। हाँ जी आगे और हमारे बिस्मिल्लाह करके दम खोलते हैं। सुभान बन गए बिस्मिल्लाह करके फौरन खोलते हैं, सबको बहुत भूख लगी है बिस्मिल्लाह। मैं चेक कर लेती हूँ हो गया होगा ना, कुछ फिश मैंने खिला दी वहाँ पे। सुभान लोगों को बहुत भूख लग रही है, फटाफट हम दम खोलेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। चेक किया जाए जी, जबरदस्त मजेदार यमी यमी टेस्टी टेस्टी हमारा पुलाव रेडी हो चुका है और बहुत जबरदस्त बना। चावल चेक करो कैसे निखरा निखरा बना, ये देखो एकदम माशाल्लाह निखरा निखरा चावल बना है और इतना मजे का बना है ना पुलाव, लाजवाब। भूख का ये आलम है कि
किसी को सुकून नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बस कह रहे फटाफट निकालो। तो हम फौरन चावल निकालते हैं, लोगों को खाना देते हैं। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करो। तो जी यहाँ पे मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। ले जी खाना मैंने उन लोगों को भी दे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा लग रहा है? मजेदार मजेदार। ये लो ये ले जाओ। तो जी यहाँ पे अम्मी लोगों को भी खाना दे दिया है और सुभान लोगों को भी खाना दे दिया और यहाँ हमने जो है अपने लिए भी प्लेट रेडी कर दी। कैसे लग रहा है? अब बताओ कैसे लग रहा? मजेदार यम्मी टेस्टी। यहाँ पे हरी मिर्चें दो रखी हैं, लेमन है, फिश है और अब खाएंगे गरम गरम। तो जी खाते हैं फिर बताते हैं कितना मजे का बना है। तो ले जी आप लोग भी खाएं बिस्मिल्लाह करें और हम भी खाते हैं, खा के बताते हैं कितना अच्छा बना है। बिस्मिल्लाह रहमानी। लाजवाब मजेदार, बहुत मजे का बना। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने बहुत जल्दी बनाया, बहुत ज्यादा जल्दी बनाया, बहुत जल्दी। हमा तुमने खाना है? नहीं आप खाते रहो मैं देखूंगी, इतनी भूख लगी है मुझे। क्या कुचंबर बना, क्या फिश बनी है, क्या ही पुलाव बना है। जितनी तारीफ की जाए ना माशाल्लाह कम, लाजवाब। आप लोग भी हमारी ये रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत मजे की है, बहुत यम्मी। बना के एक दफा ट्राई लाजमी करेगा, फिर किरण को लाजमी बताएगा कि बनी कैसे। फिश पकौड़ा लाजवाब, रायता और मजे का, और हरा पुलाव तो आउट ही क्लास है। हमारे घर बहुत बनता है, बहुत बनता है। बीच में आके मैंने स्टॉप करवाया कि थोड़ा कम खाया करो, बहुत खाने लग गए थे, बहुत टेस्टी बना। आज तो सारे किसी की आवाज़ तक नहीं आ रही, सब खाने पर लगे पड़े चुप करके, सब खाना खा रहे हैं। हम भी खाना खाते हैं और हमको भी खाना खाने देते हैं। खाने के बाद फिर इंशाल्लाह कॉफ़ी पे जब मूँगफली पे मिलेंगे। आज तो हमारे घर छोटी सी दावत चल रही है, गपशप बहुत बातें चल रही है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे में गोला भी आ गया, उसको भी मैं खाना देती हूँ और मैं खुद भी खाती हूँ और हमको भी खाना देती हूँ, फिर खाने के बाद मिलते हैं। तो जी यहाँ पे खाना खा लिया हम लोगों ने, खाना खा के हम आ गए अपनी जगह पे और यहाँ पे लड्डू आ गए, हम खा रहे हैं लड्डू। आप लोग भी खाएं बिस्मिल्लाह करें और अपने खाने। शुक्रिया। बस खाए मैंने, कब खाए? कटोरी फुल भरी हुई थी। सारे खा गई? सारे खा गई जी। ये मेरे हिस्से में दिए तीन चार। शुक्र है इतने सारे छोड़ दिए मैंने, किस तरीके से मैंने अपना दिल रख दिया। खाना कैसा बना था? बहुत टेस्टी बना था। मजा आ गया, हाथ चूमने का दिल कर गया। अच्छा। मैं अभी भी चूम सकती। आई नहीं 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 सीधा हाथ आए हाय। तो इस खुशी में हम जो ना पूरी कटोरी लड्डू की तो नहीं खाएंगे, एक ही खाएंगे, बाकी इन लोगों को दे दो। आप खाएं। पक्का खा लो, मजे कर। हुमा खा रही है, खुद खा रही है। नहीं मुझे भी खिलाया। सलाम। खाना इतना बेहतरीन बना था, लाजवाब बना था, बहुत मजा आया खाना खाने में। सच में मैंने पुलाव की जो खुशबू आ रही थी ना, बहुत ज्यादा टेस्टी बना था आज खाना, वाकई में बहुत मजे का बना था। जितना सोचा तो उससे ज्यादा बढ़ के ही बना ना। तो आप लोग भी ट्राई करेगा रेसिपी और जरूर बताइएगा कि कैसा बना है। तो जी आज की आप लोगों को कैसी लगी हमारी रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट और दुलार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी परेशानियाँ दूर करें और हमारे लिए भी दुआ करेगा, अल्लाह ताला हम लोगों की भी हर परेशानी को दूर करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे फ्रेश वीडियो में, तब तक ले जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप भी बोलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।